हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं इस समय 11, और मॉर्निंग ही समझिए अभी 11 बजा। और मैं जो आप लोग के लिए सरप्राइज़ था वो देखे लेके आ गई हूँ। ये जो मेरा घर है, न्यू घर जो बन रहा है, ये देखिए, ये स्कूटी को सही कर रहे हैं। अब हम लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को मालूम है, बता रही थी मैं जा रही थी, तो 2 दिन से मैं यहाँ का थोड़ा सफाई वगैरह था, वो चीज़ बाकी था, वही सब करने के लिए मैं यहाँ आती थी। तो आप लोग को रास्ते का व्यू मैं दूसरे वीडियो में दिखाई थी। ये देखिए, ये सामने का पूरा पोजीशन, और पानी गिरा था इसलिए मैं अंदर से अंदर एंट्री नहीं मारी। ये देखिए, मेरा पार्किंग है, जो गेट से तुरंत एंट्री मारेंगे तो ये पार्किंग एरिया है। और ये बैठे हैं चेयर पे, यहाँ एक चौकी रखा हुआ है, चौकी भी इसलिए बैठने वगैरह खातिर, इसलिए चौकी यहाँ रखा गया है। ये सीढ़ी आपको जो दिख रही है, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ये अंदर नीचे फ्लैट में, मैंने नीचे वाले फ्लोर में जाने की एंट्री है। सामने किचन दिख रहा है, और किचन में डलिया रखी हूँ, ले आई हूँ आज ही खरीद के। और लाइट को मैं ऑन कर देती हूँ, ये स्विच है जो मैं किचन के सामने, ये हमारी लाबी का है, लाबी में घुसी हूँ जहाँ मैं एंट्री मारी हूँ। तो ये अब मैं जा रही हूँ सीधा गेस्ट रूम में। वो जो दूसरा गेट है वो भी बाहर पार्किंग से अंदर आने की जगह है। तो ये गेस्ट रूम है जो पापा जी का है, तो गेस्ट रूम है। अच्छा सा ये देखिए, और कुछ सीलिंग भी मैं दिखा दे रही हूँ। ये है जो कुछ काम है, अभी खिड़की नहीं लगा है, खिड़की लगनी बाकी थी, सारा काम हो गया था तो मैं सोची खिड़की लग जाता तभी, लेकिन लॉकडाउन ने सारा काम सिस्टम। तो चलिए, मैं लॉबी से अब एंट्री मार रही हूँ किचन की ओर। यहाँ मैं चेयर रखी थी, उस पर कुछ कपड़े अपने रखे थे जो साफ सफाई के लिए मैं गई थी उस समय। ये देखिए, ये मेरा बेसिंग है किचन का, और किचन का जो काम था वो मेरा बाकी रह गया लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ना नीचे का बॉक्स पाया ना कुछ। मैं मॉडुलर किचन जो हमें बनवाना था वो नहीं हो पाया लॉकडाउन के कारण। चलिए, वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन मैं सोची अभी जो थोड़ा हुआ है उसी में मैं आप लोग को से दिखा देती हूँ, अपना होम टूर करा देती हूँ जिसमें मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। तो देखिए कब तक हो जाती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। बाकी पूरी चीज़ बन के तैयार, वो देखिए ये है, ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, उधर वो है। अब ये किचन से बगल एक रूम है जो मेरा, ये देखिए ये किचन है, किचन से बगल में एक रूम है जो मैं इसे खोल रही हूँ। तो ये देखिए ये रूम है, यहाँ अलमारी पे देखिए शीशे रखे हुए हैं जो खिड़की लगाने थे, सब तैयार है। बस लॉकडाउन के कारण मिस्त्री सब नहीं आ सके हैं तो नहीं होगा, और फ्रेम भी नहीं आया खिड़की का, तो इसीलिए मैं इसीलिए सोच रही थी पूरा हो जाए तभी कराऊँ, बट क्या हो गया, मजबूर हो गई लॉकडाउन का। ये देखिए शीशे सब कटिंग करा के आके रखे हुए हैं, और उसके यहाँ कारीगर के यहाँ उसके फ्रेम भी सारे रखे हैं। ये देखिए सीलिंग कुछ इस तरीके से, कटिंग जो पुट्टी के तरीके से हुआ था ये है। तो मेरा ये न्यू होम टूर है, ये मेरे बच्चों का रूम है, मम्मी इसमें भी रहेंगे। ये खिड़की है, खिड़की नीचे का पेंट हो चुका था बट ऊपर का भी नहीं पेंट हुआ था, ये हुआ कि खिड़कियाँ लग जाएंगी तब होगा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ से घूमती हूँ, ये दूसरे रूम के साइड में यहाँ पे थोड़ी सी जगह दी हूँ जहाँ पे है मेरा वो लगा हुआ ग्लास पट्टी के ऊपर से उजाला आए। तो ये देखिए यहाँ का, या यहाँ पे मैं कुछ और सोची हूँ रखने के लिए, देखती हूँ क्या यहाँ एक मशीन का। ये इधर के रूम की खिड़की है, ये इधर मेरे रूम की, ये मेरा रूम है जहाँ मैं एंट्री मार रही हूँ इस समय। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, अब मैं इसमें लाइट को ऑन कर देती हूँ तो उजाला थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं तो अंधेरा था। तो अभी देखिए अलमारी वगैरह काम नहीं हुआ, बस वही लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ, तो बाद में हो जाएगा। ये मेरे रूम से अटैच जो बाथरूम है उसका है, ये देखिए। तो ये सारा काम हो गया है, पानी वगैरह का काम हो गया है, बस थोड़ा सा वही कुछ कुछ चीज़ें बाकी था जो नहीं हो पाया, तो वही था। तो मैं अब सोची कि नहीं हो पा रहा तो मैं आप लोग के अब सरप्राइज़ दे ही दूँ, आप लोग को दिखा ही दूँ, इतना दिन हो गया मैं बोल रही थी सरप्राइज़ सरप्राइज़ तो भी पूरा कर दूँ, कितना दिन तक रखूँगी। तो ये मेरे रूम से अटैच है, तो इंग्लिश वाला करके करवाई हूँ इसे। इसमें बैठने क्या है, कभी भी भविष्य के लिए सोची हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तब होगा, ऐसे में तो नहीं, लेकिन एक ज़रूरी है। तो ये देखिए ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, ये अलमारी, अलमारी का भी अभी काम कुछ नहीं हुआ, ये आप लोग देख ही रहे हैं जो कि बाकी रह गया, सारा काम लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। तो और काम हो गया था जो, तो हो ही गया था। अब चलिए, लॉकडाउन तो काफ़ी दिन तक चल रहा है तो देखिए कब तक चलता है। ये देखिए छिपकली भी यहाँ पे है, यहाँ एक बेसिंग लगवाई हूँ, यहाँ अभी शीशा लगाना था वो भी बाकी, ये शीशा यहाँ देखिए लगवाना था ऊपर जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, यहाँ शीशा लगवाना था बट हुआ क्या कि नहीं आ पाया लॉकडाउन के कारण, नहीं पाया तो बाद में होता है। तो ये है दूसरा बाथरूम जो ऐसे ही सबके लिए, दूसरा ये दो बाथरूम नीचे है मेरा,
तो दो ये बड़ा है थोड़ा, वो छोटा था, वो बस मैं अपने रूम से अटैच करने के लिए थोड़ा सा करवा दी थी। तो ये देखिए बड़ा वाला बाथरूम है जिसमें सारे लोग यूज करेंगे, यूज़ तो सभी लोग उसको भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक वो होता है ना कि नॉर्मल तरीके से जो जनरल है वो चीज़ें हैं। तो ये देखिए अब मैं लॉबी में इधर मुड़ गई, ये किचन है सामने मेरा, और ये एक रूम ये है, दूसरा वो मेरा है, वहाँ पे वो ग्लास पट्टी के नीचे खाली जगह है, ये के रूम है दो ठो, पीछे दो रूम, फिर किचन है, लॉबी है, उधर बाथरूम है, और फिर आगे गेस्ट रूम है जो मैं आपको घुस गई, ये मैं जहाँ पे चैनल लगवाई थी इसलिए कि इससे हवा वगैरह आएगा, उजाला भी रहेगा तो अच्छी रहेगी। यहाँ पे मैं पर्दे को ऐड करूँगी, तो अभी पर्दा भी नहीं ले पाई उसी कारण जो मुझे पर्दा, ये मैं सीढ़ी पे अब ऊपर चढ़ रही हूँ, ये दो छतें हैं जहाँ पे हम लोग कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं दर से। तो मैं यहाँ पे देखिए ये स्टील वाला अथवा लगवा दिया गया, बच्चे गिरे ना, नहीं तो इसी वो करवा देते, अगर मैं दीवार उठवाती तो अंधेरा हो जाता, इसलिए इसे लगवाई, तो इससे उजाला भी रहेगा और सेफ भी रहेगा बच्चे भी। तो ये मैं ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ चुकी हूँ, तो ये देखिए मेरे ऊपर का फ्लोर है जो यहाँ पे मैं जिस हिसाब से सोच के चली हूँ कि देना है, वो उसके हिसाब से मैं बनवाई हूँ कि मुझे किराया भी देना रहेगा, इसलिए कि थोड़ा सा एरिया में यहाँ पे रखना ज़रूरी है किराएदार। तो ये देखिए आगे का रूम है जिसमें मैं पहले एंट्री मारी हूँ, ये दूसरा रूम है जो मैं खोल रही हूँ, ये देखिए ये दूसरा रूम है, यहाँ पे ये खिड़की है, देखिए ऊपर की खिड़की वो पेंट नहीं हुई है वाइट कलर से। तो ये देखिए यहाँ पे घुसी फर्स्ट रूम में, ये फर्स्ट रूम है आगे का, जो आगे का फ्लैट है ये ऊपर देखिए कितनी अच्छी से पीओपी से हुई है कटिंग डिजाइन। यहाँ पे देखिए ये दूसरा रूम है, और इसी दूसरे रूम से ही सटे इधर से इधर ये पूरा वहाँ पे बाथरूम भी है अटैच, यहाँ बाथरूम इसी से, ये बाहर के जो बालकनी के साइड में खिड़की लगी हुई है उसका मैं विंडो को दिखाई। तो ये अलमारी है, देखिए अलमारी का भी काम नहीं हुआ, तो मैं रूम से अब निकलती हूँ, दूसरे रूम में एंट्री मारती हूँ, एक रूम से दूसरे रूम अटैच है, अब चलती हूँ मैं बालकनी में जो आपको दिखाती हूँ बालकनी का लुक थोड़ा सा। ये देखिए ये है बालकनी, बालकनी में ये थोड़े से अच्छे, यहाँ पे भी एक टोटी दे दिया गया है, ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ कुछ कर सके, ऐसा ना हो कि हाथ धुलना या कुछ करना हो तो प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे धुलने के लिए भी मैं एक टोटी दे दी हूँ। यहाँ पे भी पानी का नल हो गया है, तो वो देखिए ये नल हो गया है वहाँ पे नाली का भी सिस्टम हो गया है। तो ये देखिए अब मैं अंदर आ जाती हूँ, अंदर आती हूँ इस गेट को बंद करती हूँ, तो आगे ये दो रूम है और इसका भी खिड़की देखिए खुला है, ये दूसरा रूम, ये गेट से पीछे बाथरूम है, इसी रूम के ही बगल में ही है, ये देखिए रूम में ही है, रूम में बाथरूम है। तो ये बाथरूम थोड़ा पतला हो गया है और लंबा हो गया है, बट है बड़ा है बस थोड़ा सा पतला हो गया है। देखिए यहाँ से वहाँ तक ये भी बाथरूम है, इसका भी सिस्टम सब चालू है, तो इसी अकॉर्डिंग में अच्छा है लुक। और आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट कर बताइए, ये भी बाथरूम यहाँ पे भी बेसिन दे दी गई है कि हाथ धुलने वगैरह के लिए ज़रूरी रहता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत है, बट मैं शीशे वगैरह भी नहीं कर पाई, और कुछ कारण था यही लॉकडाउन का ही जो नहीं हुआ, मैं सोची थी अप्रैल मंथ में सारा काम हो जाएगा। तो ये दूसरा रूम ये है, और जिसमें मैं खड़ी होकर बंद कर रही हूँ, ये फर्स्ट रूम है आगे की साइड में, इसके बगल में बाथरूम है जस्ट इसी से सटा हुआ, ये देखिए ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये रूम है, और वो बालकनी में जाने का है। अब मैं निकलती हूँ इस रूम को भी बंद करके, ये दो रूम इधर हो गया और बाथरूम है, ये यहाँ पे अब किचन में मैं आती हूँ, जो फर्स्ट इधर किचन है पहले, तो मैं पार्किंग लॉबी का भी दिखा दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये किचन है जो इस साइड से मुझे देना है, जो मैं देने वाली हूँ आगे वाले फ्लैट को अगर मैं किराए पे देती हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक है यहाँ पे किचन का, ये पूरा तैयार है, किचन का भी ऊपर भी कुछ नहीं इसी तरीके से बस था, इतना ही तैयार हुआ था, बाकी कुछ काम बाकी था तो नहीं हो पाया, अब होगा धीरे धीरे होगा, घर तो ऐसा है कि हमेशा काम धाम जब भी लगाओ लगता है काम ही काम रहता है। तो ये किचन है जो आगे वाले फ्लैट का है उसके लिए हटे है, तो यहाँ पे दो टोटियाँ, ये देखिए ये आरओ के लिए सिस्टम है कि आरओ का आप यूज करें, जिसको लगवाना तो आरओ भी लगवा के अपना कर सकेगा, उसके लिए भी ये व्यवस्थाएं हैं। और चलिए मैं इस किचन को बंद करती हूँ, अब मैं दूसरी वाले किचन को हेड करती हूँ, जो पीछे वाले फ्लैट हैं उसके लिए जो किचन है उसका मैं दिखाती हूँ। ये देखिए
ये दोसा यहाँ की लाइट मैं ऑन कर देती हूँ, लाइट ऑन हो जाता है फिर मैं किचन को खोलती हूँ। किचन में खोल के बस थोड़ा सा मैं इसका भी लुक उसी तरीके से सेम टू सेम वही है, बस देखिए जैसे वो था वैसे ये भी है, बस थोड़ा सा इसमें सही है, दोनों का एक ही साइज है और अच्छा है। तो इसमें भी लाइट लगी, लाइट कुछ चीज़ें लगी है, कुछ नहीं सीलिंग लाइट लगी है अभी, वैसे LED वगैरह बल्ब अभी पूरी नहीं हो पाए तो वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे सारे। तो अभी तो मैं नॉर्मल तरीके से ऐसे ही दे, अब ये किचन से जो बगल में पीछे रूम था नीचे उसी हिसाब से ये भी है। तो ये देखिए पीछे का रूम है, ऊपर का पीछे वाले ऊपर फ्लैट का है, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। और जहाँ पे मेरा वो बाथरूम का अटैच था वहाँ पे मैं अलमारी इसमें दे दी हूँ, जिस ऊपर बाथरूम नहीं बनाई हूँ वहाँ पे, क्योंकि आगे रूम से वहाँ का है, यहाँ का एक और है वो। तो ये देखिए स्विच वगैरह, ये पीछे रूम का है जो मेरा काफ़ी ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा है आप लोग को। ये देखिए सीलिंग का कितना अच्छा डिजाइन हुआ है POP से, जो अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके सारे का डिजाइन बना हुआ, सब रूम में बना हुआ, पार्किंग में बना हुआ है, सारे अलमारी भी ऐसे बनी हुई है। बट इसे हमें जब सही करवाना होगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, सारी व्यवस्था सही होगी, तब मैं अलमारी को भी सही करवाऊँगी। सारे जो पल्ले उल्ले इस पर लगते हैं वो सब लगेंगे। तो अब मैं चलती हूँ दूसरे रूम में। यहाँ देखिए जो ग्लास पट्टी मैं दिखा रही थी ऊपर के साइड में, तो देखिए ऊपर के साइड में यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर भी ग्लास पट्टी लगा हुआ तीसरे पे। तो मैं वो पन्नी डाल के उसे ढक दी थी क्योंकि कूड़ा कबड़ा आ रहा था। यहाँ भी दो छतियाँ हैं, तो दूसरी खिड़की ये भी देखिए पूरे तरीके से कलर नहीं हुआ था खिड़की। ये आ गए हैं मैं ऊपर के वही दूसरे वाले रूम में पीछे वाले फ्लैट पे। तो इसको भी देखिए इस तरीके से, ये भी है यहाँ पे वही जो बाथरूम था उसके जगह पे ये सब अलमारी मैं दिलवा दी हूँ, जो कि एक फ्लैट के हिसाब से है तो उसी हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि किसी को दो तो मिल ऐसा है नहीं कि एक को दो दो बाथरूम, तो इस अकॉर्डिंग में मैं करवाई हूँ। तो इस हिसाब इसकी भी सीलिंग देखिए अलग है, हर सीलिंग का अलग अलग डिजाइन है, वो अच्छी भी लग रही है। देखें बस पेंट वगैरह नहीं हो पाया, वही लॉकडाउन के कारण सारे सिस्टम ठप हो गए, बट धीरे धीरे होगा और जब सब अच्छे से हो जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर अपना होम टूर करवाऊंगी इतने अच्छे से, जब सारा चीज़ सही कर लूँगी। तो हाँ, तो ये ख्वाहिश मेरी बहुत पहले से थी जो मेरे पापा जी ने मुझे दिया सरप्राइज। ये दूसरा बाथरूम है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ बेसिंग लगवाना था, बेसिंग रखा था बस नहीं लग पाया था, उसमें कुछ कारण था रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ का है, ये ऊपर का दूसरा बाथरूम है, ऊपर ही के पीछे फ्लैट वाले के लिए ये बाथरूम है, यहाँ पे बेसिंग है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी सारे हो गए हैं, बाथरूम के काम भी सारे हो गए हैं, कोई बाकी नहीं, बस शीशे का काम बाकी था और कुछ हैंगर वगैरह का ये सब बाकी था, तो नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे होगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब मैं सारा धीरे धीरे करती रहूँगी इसमें। अभी तो बहुत समय है लॉकडाउन ख़त्म होने का, तब तक तो इंतज़ार करना ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए पीछे का रूम है, ये किचन से बगल का रूम है, वहाँ नाली है, वो ग्लास पट्टी है, वो बाथरूम, ये रूम, ये ग्लास पट्टी, ये रूम। तो ये दो, एक किचन ये है, दूसरा किचन ये है। अब मैं चलती हूँ ऊपर छत के साइड में, आपको ये लॉबी है जो मेरा खुला हुआ थोड़ा सा एरिया ये है, तो ये लॉबी है। अब मैं चलती हूँ ऊपर छत की भी आप लोग को सैर करा दूँ। तो अब मैं चलती हूँ छत पे, तो छत पे मैं चढ़ रही हूँ। चढ़ने के बाद मैं चलती हूँ छत का भी लुक, ये भी दो छत यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे तो दीवार उठा था, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रूम वगैरह ऊपर बना था, तो इसमें काफ़ी। यहाँ का जो गेट मैं लगवाई हूँ तो ये जालीदार लगाई हूँ, इस पर मैं एक एल्युमिनियम सीट को करवाऊंगी, इसलिए नहीं तो ये लोहे जो हैं तो जंग लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। अब जब हो जाएगा तो मैं इसमें एल्युमिनियम सीट लगाऊंगी। तो ये आगे का छत है, जो आगे का दो फ्लैट में दिखा रही थी उसका, आगे का दो रूम का, तो उसका छत है ये। ये फिर सीधे इधर से जुड़ते जाता है ये, और एक ऊपर रूम मैं टीने का बनवाई, ऊपर टीना रखा है। ये बाथरूम ऊपर भी एक है, इसमें सारे प्लास्टिक के टोटी लगे हैं क्योंकि इतना यूज नहीं आना अभी, तो बाद में जैसा होगा उसे अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो उस हिसाब से ये देखिए जो ऊपर मैं ये रूम बनवाई हूँ, इसका भी गेट रखा हुआ नहीं लग पाया, गेट अभी इसका आया ही नहीं क्योंकि इसका गेट वो आएगा एल्युमिनियम वाला, तो उसी के लिए नहीं हुआ। तो इसमें मैं स्टोर रूम बनाऊंगी, स्टोर रूम के लिए मैं इसे बनवाई हूँ, क्योंकि जो मेरे कंडाला अनाज वगैरह बक्सा बक्शी ये सब चीज़ें जो होता है एक जगह सेव होने के उसके लिए है। तो ये चलिए मैं चलती हूँ, धूप बहुत तेज़ लग रही है इसलिए मैं ऊपर से फटाफट भाग रही हूँ।
तो ये कुछ इस तरीके से, ये इतना बड़ा मेरा छत है और आगे जो घर दिख रहा है वो भी है, ठाकुर है सिंह है, हाँ, वही है, बादशाह लोग बोलते हैं सिंह है। तो ये देखिए, अब मैं गेट को बंद करती हूँ, जैसे अभी कुछ बहुत काम ही बाकी हैं, बट धीरे धीरे होगा, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो ये सीढ़ी भी ऊपर इतना चढ़ा दिया गया है, इसके आगे भी जब अगर ज़रूरत मुझे, ये जहाँ जितना कूड़ा कबाड़ा था यहाँ पर सब रख दिया गया था, क्योंकि इसके ऊपर तो जाना नहीं है, जब जी कभी बनाना होगा तो फिर देखा जाएगा। तो अभी इतना कंप्लीट हो गया था कि आगे के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए, मैं यहाँ पे दिखाते हुए मैं नीचे उतर रही हूँ सीढ़ी से, और मैं सफाई करने के बाद ही फिर आप लोग को पूरा लुक दिखाई, मैं सोची पूरा शेयर कर लूँ तभी दिखाऊँ। तो 2 दिन तो मुझे लग गया यहाँ, 3 दिन सफाई करते हुए साफ़ उफ कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़े उड़े हो गए थे, जो सीमेंट वगैरह गिरे पुट्टी, ये रेलिंग है स्टील का जो बना है सीढ़ी से उतरने के लिए पकड़ के, तो ये देखिए मैं उतर रही हूँ। तो ये जो दुछत्ती है यहाँ पे, वो गीजर का दिया गया है सेट करने के लिए, कि गीजर बाथरूम से अटैच करने के लिए दिक्कत ना हो। तो ये मैं बीच वाले फ्लैट में उतर रही हूँ, यहाँ से उतरते हुए मैं अब चलूँगी नीचे, और नीचे चलते हुए तो फिर मैं दिखाती हूँ नीचे का पोजीशन। तो नीचे का मैं दिखाई दी थी, बट मैं उतर रही हूँ तो नीचे, तो इस तरीके से दिखाते हुए निकल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा घर कैसा लगा आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बनाए। ये देखिए गेट यहाँ से दिख रहा है ना, वो सामने जो गेट दिख रहा है अंदर गेस्ट रूम में जाने के लिए वो गेट है, तो बाहर से जाने के लिए अंदर से अंदर गेट बना हुआ, जब मैं अंदर से एंट्री मार के दिखाई थी गेस्ट रूम को उसमें है। तो ये भी दुछती, यहाँ पे भी देखिए कुछ सामान ऐसी रखी हुई है, यहाँ पे भी वही गीज़र का व्यवस्था दिया गया, वहाँ लाइट भी है, ये गीज़र के लिए है पानी का जो लगा हुआ है। तो यहाँ मैं अब नीचे उतर रही हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट उतरने के बाद उधर मेरा चप्पल साइड में रखा था। ये देखिए किचन ऐसे, यहाँ पे मुझे पर्दा लगाना है मोटा वाला पर्दा, कि जो हमारे किचन को लुक को सीधा ना दिखाई दे, इसलिए मैं पर्दा लगाऊंगी इस पर। तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं इतने बड़े पर्दे को फिर मंगाऊंगी। और नहीं तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया प्लीज़, अगर अच्छा लगेगा मेरा होम टूर तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।